हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 12th क्लास का टॉपिक डिस्कस करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो सबसे पहले तो कंपोजिट फंक्शन क्या होता है ये समझ लेते हैं। इफ वाई इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ यू एंड यू इज से डिफरेंशियबल फंक्शन ऑफ एक्स, सो वी कैन पुट दिस यू हियर। तो वाई बन जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, दिस इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। वाई इज कंपोजिटली डिपेंडेंट ऑन एक्स। फर्स्ट वाई डिपेंड्स ऑन यू, यू डिपेंड्स ऑन एक्स, सो वाई कंपोजिटली डिपेंडेंट on x. Now if y is differentiable function of u and u is differentiable function of x, then this y is also differentiable function of x. So we can differentiate y with respect to x by the rule dy by dx is equal to, सबसे पहले y u पर dependent है तो y का derivative u से, into u फिर x पर डिपेंडेंट है तो u का डेरिवेटिव x है। दिस इज कॉल्ड चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन और रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। यूजिंग दिस रूल वी सॉल्व सम एग्जांपल्स। सो using chain rule of differentiation we solve some examples. The question will be like this: differentiate the following functions with respect to x. Let us consider first function as root x plus 1 by root x whole power 5. So first of all we denote given function by y. अब इसको ऑब्जर्व करें कि ये फंक्शन है किस फॉर्म में। तो यदि मान लो थोड़ी देर के लिए हम इसको u सपोज कर लें तो हमारा फंक्शन हो जाएगा y इज इक्वल टू u पावर 5। एंड व्हाट इज u? u इज रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स। तो हम ऐसा देख सकते हैं, हियर y डिपेंड्स ऑन u विच इज दिस ब्रैकेट and that u depends on x. So we can say that y is compositely dependent on x. So we can apply chain rule of differentiation here. Chain rule apply करने के लिए जो टेक्निक है वो जरा यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। dy by dx is equal to, सबसे पहले किस फॉर्म में दिख रहा है, u power 5। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ u पावर 5, u पावर 4, वो अप्लाई करते हैं 5 u पावर 4। अब हर बार u हमको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में दिख सकता है तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं समथिंग रेस टू पावर 5, या ऐसा कह सकते हैं कैपिटल x रेस टू पावर 5। तो ये मेन फंक्शन का डेरिवेटिव हमने यहाँ अप्लाई किया 5 टाइम्स समथिंग रेस टू पावर 4, 5 माइनस 1 4, यहाँ जो कुछ है उसको लिख दें। नाउ चेन रूल सेज, यहाँ पर अभी हमारा डेरिवेटिव खत्म नहीं हुआ, इनटू डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स विच इज इक्वल टू 5 टाइम्स रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स पावर 4 एज इट इज चलेगा, इन टू रूट एक्स का डेरिवेटिव। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए उसको हम पावर फंक्शन में पहले सपोज कर लेते हैं एक्स पावर 1 बाय 2, और एक्स पावर एन का जो फॉर्मूला है, एक्स पावर एन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का जो फॉर्मूला है एन एक्स पावर एन माइनस 1, तो उसकी मदद से इसको पहले लिख लें डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर 1 बाय 2
प्लस ये भी एक्स पावर वन बाय टू डिनोमिनेटर में होगा, तो जब न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो वो बनेगा एक्स पावर माइनस वन बाय टू। अब इसको अप्लाई करना, फॉर्मूला अप्लाई करना आसान होगा। तो इज इक्वल टू फाइव टाइम्स रेस टू पावर फोर, जो भी कुछ है ब्रैकेट में, रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एफ प्लस जी के फॉर्म में, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी, हाफ एक्स रेस टू पावर हाफ माइनस वन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ जी जैसा है, माइनस वन बाय टू एक्स पावर माइनस वन बाय टू माइनस वन, विच इज इक्वल टू फाइव रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स रेस टू पावर फोर इंटू हाफ माइनस वन दैट इज माइनस हाफ, सो इट इज वन बाय टू, वन बाय टू एक्स पावर माइनस वन बाय टू, प्लस इंटू माइनस इज माइनस वन बाय टू एक्स पावर माइनस थ्री बाय टू। हम चाहे तो इसको यहाँ स्टॉप कर सकते हैं, और यदि थोड़ा सिंप्लीफाई करना हो तो फाइव रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स पावर फोर, दोनों में वन बाय टू दिख रहा है तो वन बाय टू कॉमन, एक्स पावर माइनस हाफ तो नीचे आके वन अपॉन एक्स पावर हाफ दैट इज वन अपॉन रूट एक्स, माइनस अपनी जगह एक्स पावर माइनस थ्री बाय टू तो उसको नीचे लाकर वन अपॉन एक्स पावर थ्री बाय टू कैन बी रिटन एज एक्स रूट एक्स, दिस इज डी वाई बाय डी एक्स आवर आंसर। एक बार फिर से देख लेते हैं, y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स रेस टू पावर फाइव। तो सबसे पहले प्रॉब्लम जब हम ऑब्जर्व करें तो उसको देखेंगे, y इज इक्वल टू यू पावर फाइव के फॉर्म में, वॉट इज यू रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स, सो y डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन u, वेयर u डिपेंड्स ऑन x, तो वी कैन अप्लाई चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इट सेज dy बाय dx इज इक्वल टू u पावर फाइव का डेरिवेटिव with respect to u will be 5 u power 4 into derivative of u। अब ये तो आखिरी तक के as it is चलते रहेंगे, बात इसकी करेंगे, root x को लिखा power form में x power half, इसको ऊपर ले जाकर लिखा x power minus 1 by 2, ddx of f plus g के form में तो derivative of f plus derivative of g apply होगा, x power half का derivative half x power n माइनस वन हाफ माइनस वन प्लस, नाउ हियर n इज माइनस हाफ, माइनस हाफ x पावर n माइनस वन। अब केवल सिंप्लीफाई करना बाकी रह जाता है, ये तो अपनी जगह एज इट इज है, माइनस हाफ, माइनस हाफ माइनस वन इज माइनस थ्री बाई टू, इसको रीराइट करें डिनोमिनेटर में ला लें तो रूट एक्स, इसको डिनोमिनेटर में ला लें तो x इंटू एक्स पावर हाफ दैट इज x इंटू रूट एक्स। सो In this way, we solve problems based on composite functions. Okay? Now, second example, let y is equal to cos of sine x, function related to trigonometric function. सबसे पहले हम इसको observe करें कि function का फॉर्मेशन कैसा है। तो बाहर से हमको कौन सा फंक्शन सबसे पहले नजर आता है, कॉस, किस पर डिपेंडेंट है, साइन पर, और साइन किस पर डिपेंडेंट है, एक्स पर। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको समथिंग मान ले, यू मान ले, तो क्या दिखने लगेगा, वाई इज इक्वल टू कॉस यू, वेयर यू इज साइन एक्स, सो वाई डिपेंड्स ऑन यू, कॉस यू बोलकर मिलेगा हमको वाई, एंड यू इज साइन एक्स विच डिपेंड्स ऑन एक्स, therefore by chain rule dy by dx is equal to सबसे पहले dy by du into du by dx, now what is y in terms of u, so it is cos u, so derivative will be cos u का derivative minus sin u,
What is u here? What is u here? It is sin x into derivative of u with respect to x. What is u? Sin x. Uska derivative x ke saath? Cos x. So answer is dy by dx is equal to minus sin of sin x into derivative of sin x is cos x. So इसके बाद जब हम यहाँ तो केवल दो ही फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे दो से ज़्यादा फंक्शन के भी कॉम्बिनेशन हमको दिख सकते हैं। तो यदि हम यह आंसर को डायरेक्ट प्रॉब्लम के साथ रिलेट करें तो हम चेन रूल को किस तरह से यूज़ करेंगे ये ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। वाई इज फंक्शन ऑफ कॉस ऑफ समथिंग। सो सबसे पहले कॉस का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, सो इट इज़ माइनस साइन ऑफ समथिंग into derivative of that something, then a derivative of sin x which is cos x. Now we'll see another next problem, number 3. Let y is equal to sin of 2 by 5 of log x. यहाँ कितने फंक्शन हमको नजर आते हैं, तो साइन रेस टू पावर 2/5 ऑफ लॉग एक्स। इसी को लिखने का दूसरा तरीका ऐसा हो सकता है, साइन ऑफ लॉग एक्स रेस टू पावर 2/5। मतलब मेन फंक्शन बाहर से यदि हम देखें तो 2/5 किसका, समथिंग का, समथिंग रेस टू पावर 2/5। नाउ व्हाट दैट समथिंग इज, इट इज साइन ऑफ लॉग एक्स, मतलब अकेला साइन भी नहीं है, साइन भी लॉग एक्स पर डिपेंड कर रहा है। सो मेन फंक्शन इज 2/5 पावर फंक्शन, उसके अंदर फंक्शन हो गया साइन फंक्शन और उसके अंदर फंक्शन हो गया लॉग ऑफ एक्स। सो बाय चेन रूल dy/dx इज इक्वल टू पहले पावर फंक्शन का डेरिवेटिव n जो कुछ भी है n माइनस 1, ठीक है, मतलब थोड़ी देर के लिए यदि हम इसको u बोले या कैपिटल x कहें तो कैपिटल x कंप्लीट का पावर 2/5, डेरिवेटिव विल बी 2/5 कैपिटल x, 2/5 माइनस 1 साइन ऑफ log x इन टू डेरिवेटिव ऑफ दिस इनर फंक्शन समथिंग ddx ऑफ, और वी कैन राइट derivative of this inner function, derivative of sin. तो derivative of sin is cos, जो भी कुछ उसके अंदर है cos of log x। अभी भी खत्म हुआ नहीं क्योंकि cos directly x पर dependent नहीं है, cos कोई और function पर dependent है log x पर, तो into ddx of log x। अब जाकर ये सारे function के differentiation use हो गए। This is by chain rule. Now simplify it. 2/5 sine of log x raised to power 2/5 minus 1 minus 5 gaya minus 3/5 into cos of log x into derivative of log x is 1/x. So this is the answer dy/dx for given y. So इस तरह से सबसे पहले हमको ये ऑब्जर्व करना होगा कि हमारा मेन फंक्शन कौन सा है और उसके अंदर कितने कितने फंक्शंस हैं। एक बार ये अच्छे से समझ आ जाए तो हम आसानी से चेन रूल अप्लाई कर सकेंगे। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। y इज इक्वल टू साइन ऑफ रूट साइन ऑफ रूट एक्स। तो यहां पर मेन फंक्शन साइन, उसके अंदर रूट, उसके अंदर साइन और उसके अंदर रूट, यानी कितने फंक्शंस हो गए, साइन पहला फंक्शन, उसके अंदर रूट दूसरा फंक्शन, उसके अंदर साइन तीसरा फंक्शन और उसके अंदर रूट एक्स। तो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ फोर फंक्शंस। तो बाय चेन रूल
बाय चेन रूल डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव विथ समथिंग, तो साइन का डेरिवेटिव, कॉस, जो भी कुछ है समथिंग, इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन। अब इनर फंक्शन का फॉर्म है रूट ऑफ समथिंग, तो रूट एक्स, अभी इसके पहले हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव हमको दिखा था 1/2 रूट एक्स, डायरेक्ट को अप्लाई करेंगे तो रूट समथिंग का डेरिवेटिव 1/2 रूट समथिंग। अब उसके अंदर कौन सा फंक्शन है, साइन रूट एक्स, तो इनटू इसका डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस समथिंग। तीन फंक्शन के डिफरेंशिएशन हो गए, 1, 2, 3, और अभी लास्ट रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई करते समय न्यूमरेटर न्यूमरेटर एक साथ, डिनोमिनेटर सब एक साथ ऐसा लिख ले यदि, तो न्यूमरेटर में एक टर्म है दूसरी टर्म है, तो कॉस ऑफ रूट साइन रूट एक्स इंटू कॉस ऑफ रूट एक्स अपॉन, ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर की टर्म है, तो 2/4 रूट साइन रूट एक्स इंटू रूट एक्स, दिस विल बी द आंसर डी बाय डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5, y इज इक्वल टू कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन फॉर्म में लेते हैं a^5 साइन x। प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन यदि हमारे पास है a^x, तो उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, ये रिकॉल कर ले रिजल्ट चला, ddx ऑफ a^x इज a^x इंटू log a। ठीक, अब यहाँ जो हमारा फंक्शन है वो a^x डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, a^function(x) है, इसका मतलब मेन फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन और उसके अंदर 5 टाइम्स साइन x है, तो चेन रूल अप्लाई किया जा सकेगा बाय चेन रूल dy बाय dx इक्वल टू, पहले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लगा लेते जिस फॉर्म में हमको मिलता है, तो a^ जो भी कुछ है a^5 साइन x इंटू log a, ये तो हुआ मेन फंक्शन का डेरिवेटिव। अब इसके अंदर जो है उसका डेरिवेटिव लिया जाएगा, तो डी डी एक्स ऑफ 5 इंटू साइन x विच इज इक्वल टू a^5 साइन x इंटू log a इंटू कॉन्स्टेंट के साथ फंक्शन है तो कॉन्स्टेंट बाहर, डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाय चेन रूल। अब थोड़े से ये तो अभी तक के सब सिंपल सिंपल प्रॉब्लम देख रहे थे, अब थोड़े से और इनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं प्रॉब्लम्स की। नंबर 6, वाई इज इक्वल टू e^x² साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। सो हियर फंक्शन का जो मेन फॉर्म है वो क्या दिख रहा है आपको, e^X या u। सो फंक्शन हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में e^something, और फिर वो जो समथिंग में जो कुछ है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो अप्लाई चेन रूल बाय चेन रूल dy बाय dx इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन e^X का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज e^X। सो e^something को समथिंग से डिफरेंशिएशन होगा, तो एज इट इज e^x² साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू, अब ये आगे की टर्म हम नीचे लिख रहे हैं, डी डी एक्स ऑफ समथिंग x² साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ये e^something वो चलेगा सब पूरा एज इट इज e^u बोल दे यदि उसको, वो पूरा पूरा एक्सप्रेशन है सेम एक्सप्रेशन है इनटू। नाउ डेरिवेटिव ऑफ
एफ प्लस जी के फॉर्म में एक्सप्रेशन दिख रहा है, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी, कर दे इसको अलग अलग, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ये यू यानी ये पूरा एक्सप्रेशन राइट, ई पावर दैट कंप्लीट एक्सप्रेशन इन टू। अब यहां डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है, मतलब प्रोडक्ट टर्म दिख गई, तो यहां पर हमको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू वी, फर्स्ट इंटू सेकेंड इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और फिर यहां पर सिंगल टर्म है कॉस स्क्वायर एक्स, तो एक एक करके एक एक टर्म सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये हो गया फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, ये प्लस, अब यहां पर दिख रहा है कॉस एक्स का स्क्वायर, तो मेन फंक्शन यहां पर हो गया स्क्वायर फंक्शन और उसके अंदर हो गया कॉस, तो अब इसके पहले हमने सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व किए थे चेन रूल से, तो उसको हम डिफ्रेंशिएट कर लें, मेन फंक्शन टू टाइम्स कॉस एक्स का पावर टू माइनस वन दैट इज वन, अब इनर फंक्शन कौन सा था कॉस, तो उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ये हुआ सेकेंड टर्म, अरे करली ब्रैकेट पूरे के लिए, अब ये टर्म तो सॉल्व हो गई, अब ये अंदर की टर्म को देखना है उसको सॉल्व करना होगा, दिस इज इक्वल टू ई पावर यू करली ब्रैकेट एक्स स्क्वायर अपनी जगह इनटू, जैसा कि हमने कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन किया सेम पैटर्न से साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन किया जा सकेगा, टू टाइम्स साइन एक्स इनटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ये टर्म का डेरिवेटिव हो गया प्लस साइन स्क्वायर एक्स इनटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, सिंपल है वो टू एक्स, और फिर ये पूरी टर्म है तो इसको माइनस साइन को बाहर लेके माइनस टू टाइम्स कॉस एक्स इंटू साइन एक्स वेयर यू इज इक्वल टू दैट एक्सप्रेशन, यू को रिप्लेस किया जा सकेगा ये पूरे एक्सप्रेशन से, सो दिस इज अवर डी वाई बाय डी एक्स वेयर यू इज इक्वल टू, यू हैव टू राइट दैट एक्सप्रेशन, ओके, सो इस तरह से फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाने से भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे, ये इसके साथ इनटू है यहाँ पर इनटू, ओके गॉट द पॉइंट, एक बार फिर से समझ लेते हैं, ई पावर समथिंग से ई पावर यू, तो उसका जब चेन रूल लगाएंगे तो ई पावर यू अपनी जगह इनटू डेरिवेटिव ऑफ यू, अब ये ई पावर यू लास्ट तक चलते रहेगा ऐसे ही, डेरिवेटिव ऑफ एफ प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी कर दिए, अब जो एफ है वो भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिख रहा है, तो वहां प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और यहां है कॉस स्क्वायर एक्स तो वो पावर फंक्शन में हो गया, उसको चेन रूल लगा के टू टाइम्स कॉस एक्स डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, इसका तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब पहले इसको देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव अभी किया था थोड़ी देर पहले कॉस स्क्वायर एक्स के लिए, तो टू टाइम्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, एंड दिस विल बी द आंसर, चलिए कुछ एक दो प्रॉब्लम और ऐसे थोड़े से सॉल्व करते हैं, सेवेंथ वन, y इज इक्वल टू ई पावर टू एक्स माइनस ई पावर माइनस टू एक्स अपॉन ई पावर टू एक्स प्लस ई पावर माइनस टू एक्स, अब दिखने के लिए तो ये प्रॉब्लम हमको क्वेश्चन फॉर्म में दिख रहा है, u अपॉन v के फॉर्म में दिख रहा है, तो u अपॉन v वाले फॉर्मूले से इसको सॉल्व किया जा सकता है,
तो पहले उसको रिकॉल कर लेते हैं। आज ना पढ़ाई वढ़ाई नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस फोन फोन कर रहा है। डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन इज सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। तो यदि हम यहाँ अप्लाई कर दें तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेकेंड फंक्शन ई पावर टू एक्स प्लस ई पावर माइनस टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ई पावर टू एक्स माइनस ई पावर माइनस टू एक्स माइनस फर्स्ट ई पावर टू एक्स माइनस ई पावर माइनस टू एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड का स्क्वायर ई पावर टू एक्स प्लस ई पावर माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर बाय क्वोशेंट रूल इज इक्वल टू, इसमें तो कुछ करना नहीं है, ई पावर टू एक्स प्लस ई पावर माइनस टू एक्स। यहां पर देख लेते हैं फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस सेकेंड का डेरिवेटिव। नाउ ई पावर टू एक्स सिंपल फंक्शन है, ई पावर का डेरिवेटिव एज इट इज ई पावर टू एक्स इंटू टू एक्स का डेरिवेटिव टू इंटू वन दैट इज टू ओनली माइनस ई पावर माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव ई पावर माइनस टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस माइनस टू एक्स इज माइनस टू इंटू वन माइनस एज इट इज ई पावर टू एक्स माइनस ई पावर माइनस टू एक्स इंटू फिर से एफ प्लस जी के फॉर्म में, तो एफ का डेरिवेटिव ई पावर टू एक्स का डेरिवेटिव ई पावर टू एक्स इंटू समथिंग का डेरिवेटिव इज टू प्लस नेक्स्ट टर्म ई पावर माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव ई पावर माइनस टू एक्स इंटू पावर का डेरिवेटिव ई पावर माइनस टू अपॉन ई पावर टू एक्स प्लस ई पावर माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर। इसको टू कॉमन लेके रीराइट किया जा सकता है, दैट इज जस्ट सिंप्लीफिकेशन पार्ट एंड वी विल से दैट दिस इज अवर आंसर। ओके नाउ देयर इज अनदर मेथड ऑल्सो टू सिंप्लीफाई द सेम प्रॉब्लम। तो हम जरा सिंप्लीफाई करके फिर उसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। ये हमने डायरेक्ट अभी क्वेश्चन टूल अप्लाई कर दिया, देखते हैं और दूसरा मेथड क्या हो सकता है। अल्टरनेटली अल्टरनेट मेथड देख रहे हैं, ये जो e पावर माइनस टू एक्स है इसको हम यहां पर डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं e पावर टू एक्स माइनस वन अपॉन e पावर टू एक्स। ये e पावर माइनस टू एक्स को वहां पर डिनोमिनेटर में लिखा जा सकता है। फिर यहां एलसीएम यदि ले लें तो ये e पावर टू एक्स इंटू e पावर टू एक्स हो गया e पावर टू एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन e पावर टू एक्स। यहां पर भी एलसीएम ले लेते हैं तो e पावर टू एक्स का पावर टू प्लस वन अपॉन e पावर टू एक्स। तो दोनों जगह से e पावर टू एक्स कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में बच गया e पावर फोर एक्स माइनस वन अपॉन e पावर फोर एक्स प्लस वन। नाउ दिस इज अवर वाई, अगेन यू कैन अप्लाई क्वोशेंट रूल हियर टू फाइंड डी वाई बाय डी एक्स, दैट इज होमवर्क फॉर यू, फाइंड डी वाई बाय डी एक्स नाउ। ओके let us see y is equal to e power cot x into tan x e power x। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने जो प्रॉब्लम देखा था वो हमको क्वेश्चन फॉर्म में दिख रहा था, ये प्रॉब्लम हमको प्रोडक्ट फॉर्म में दिख रहा है। तो पहले हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल रिकॉल कर लें, रिकॉल
डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, दिस इज फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट. सो अप्लाई फर्स्ट प्रोडक्ट रूल, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन ई पावर कॉट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन. फिर बाद में उसके अंदर हमको कुछ कुछ और चीजें नजर आएंगी, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन. अब यहां ई पावर कॉट एक्स तो एज इट इज चलते रहेगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ टेन, इट इज नॉट सिंपली एक्स, टेन ऑफ समथिंग. तो पहले तो चेन रूल से बाहर का जो फंक्शन उसका डेरिवेटिव, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सेक्स स्क्वायर एक्स, तो वो लग जाएगा सेक्स स्क्वायर समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट समथिंग. चेन रूल अप्लाई किया यहां पर, प्लस ये एज इट इज टेन एक्स ई पावर एक्स इंटू, नाउ डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स नहीं है, ई पावर कॉट एक्स है, तो हम इसको ऐसा बोल सकते ई पावर समथिंग. तो उसका चेन रूल अप्लाई करने पर e पावर जो भी कुछ है वो एज इट इज इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, e पावर u डेरिवेटिव ऑफ u के फॉर्म में बाय चेन रूल, दो जगह यूज किया हमने, इज इक्वल टू e पावर कॉट एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स e पावर एक्स. अब यहाँ फिर से प्रोडक्ट रूल दिख रहा है, दो फंक्शन है x और e पावर x, तो यहाँ अप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ e पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x इज e पावर x, प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1, प्लस टेन x e पावर x इंटू e पावर cot x डेरिवेटिव ऑफ cot x. नाउ रिकॉल द फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ cot x, which is minus cos x square x. This gives the answer dy by dx. Hope you can solve these problems independently also. Now let us see some example of log function. y is equal to log of sine cube x into cos power 4x into x square minus 1 का power 5. So यदि इसको सबसे पहले हम ऑब्जर्व करें तो मेन फंक्शन इज log विच डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ sine cube x cos power 4 और पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 1 का पावर 5. यदि ये प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करने जाए तो इट विल बी वेरी लेंदी. तो हम क्या कुछ लॉग की प्रॉपर्टी से उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो रिकॉल प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम्स, लॉग ऑफ a इंटू बी इज लॉग a प्लस लॉग b. यदि लॉग के अंदर प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट है, तो सिंप्लीफाई हो सकता है एडिशन में. और log a अपॉन b इज इक्वल टू log a माइनस log b हो जाता है. जब ये प्रोडक्ट रूल की बात करते हैं तो प्रोडक्ट रूल को जनरलाइज भी किया जा सकता है. तीन टर्म यदि होगी यहाँ प्रोडक्ट में, तो यहाँ तीन टर्म आ जाएंगे, log a प्लस log b प्लस log c. तो यहाँ जैसा कि हमको तीन टर्म दिख रही है, तो वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम. सो y बिकम्स log ऑफ साइन क्यूब x प्लस log ऑफ cos पावर 4 x प्लस log ऑफ x square माइनस 1 का पावर 5. नाउ दिस sin क्यूब x इज नथिंग बट sin x का क्यूब, log ऑफ sin x का क्यूब log ऑफ cos x का पावर 4 प्लस log ऑफ x square माइनस 1 का पावर 5.
अगेन देर इज अ रूल लॉग एम पावर एन इज एन लॉग एम पावर सामने आ जाता है. सो विद दिस रूल वाई कैन बी रिटन एज ये थ्री सामने हो गया थ्री लॉग ऑफ साइन एक्स ये फोर सामने हो गया फोर लॉग ऑफ कॉस एक्स ये फाइव सामने आ गया फाइव लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन. अब ये प्रॉब्लम पहले से सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया है. नाउ वी कैन डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो डी वाई बाई डी एक्स तीन फंक्शन है एफ प्लस जी प्लस एच तो एक एक का इंडिविजुअल डेरिवेटिव लेते चले जाएंगे. थ्री कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव ऑफ लॉग अब अकेला लॉग एक्स नहीं है लॉग ऑफ समथिंग तो चेन रूल का अभी रोल आ गया यहाँ पर. तो सबसे पहले तो लॉग का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स होता था यहाँ साइन एक्स है तो वन अपॉन साइन एक्स इन टू दिस इनर फंक्शन का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कॉस एक्स बाय चेन रूल प्लस नेक्स्ट फोर डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स अभी जैसे ये अप्लाई किया वैसे यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे वन अपॉन समथिंग समथिंग इज हियर कॉस एक्स इन टू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस फाइव टाइम्स लॉग ऑफ समथिंग डेरिवेटिव इज वन अपॉन समथिंग एक्स स्क्वायर माइनस वन इन टू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग टू एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव जीरो बाय चेन रूल इसको ठीक कर ले तो ये हो गया थ्री टाइम्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इज कॉट एक्स माइनस फोर टाइम्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज टेन एक्स और इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया प्लस टेन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन दिस इज डी बाय डी एक्स. सो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. आज के लिए एक और लास्ट प्रॉब्लम देख के हम रुकेंगे विच विल बी डिपेंडेंट ऑन लॉग फंक्शन तो देख लेते हैं. y is equal to 4 power log sec x to the base 2 minus 9 power log 10 x base 3. जब इस तरह से हमको फंक्शन नजर आते हो तो इस तरह के फंक्शन देखते हुए तुरंत हमारे पास log की कुछ प्रॉपर्टी रिकॉल होनी चाहिए a पावर log x टू द बेस a. जब ये बेस ओरिजिनल बेस और log का बेस सेम हो तो ये रह जाता है केवल x. तो क्या हम इसको ये प्रॉपर्टी के फॉर्म में रीराइट कर सकते हैं. देखो दिस 4 कैन बी रिटन एज 2 का पावर 2 और ओरिजिनल देयर इज log sec x का पावर 2 माइनस 9 can be written as 3 square. Originally था log 10 x to the power 3. तो ये law of indices से 2 power 2 times log sec x का power 2 minus 3 times 3 power 2 times log 10 x का power 3 ऐसे चीज है. अब ये जो m है ये again recall the property. log m पावर n इज n log m तो log के सामने जो कुछ नंबर होगा तो हम उसको पावर में ले जा सकते हैं तो ये पावर में ले जा सकते हैं तो y हो जाएगा 2 पावर log sec x का स्क्वायर बेस 2 3 पावर log 10 x ये 2 उधर चले गए पावर में बेस 3. अब यहाँ बेस 2 सेम है बेस 3 सेम है तो ये अप्लाई कर सकते हैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं तो क्या बच जाएगा केवल फंक्शन sec x का स्क्वायर माइनस ये दोनों दोनों बेस सेम है तो क्या बच जाएगा 10 x का
का स्क्वायर. नाउ दिस इज अवर सिंप्लीफाइड वाई. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव माइनस टेन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव. तो सेक्स स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव है कैपिटल एक्स का स्क्वायर के फॉर्म में टू टाइम्स sec x, ये x पावर 2 का डेरिवेटिव बोलकर आया इनटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव यानी sec x का डेरिवेटिव sec x tan x. ये इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया माइनस tan x का स्क्वायर मतलब ये समथिंग का स्क्वायर इस फॉर्म में है तो उसको पहले मेन फंक्शन का डेरिवेटिव 2 टाइम्स tan x इनटू tan x का डेरिवेटिव इसके आगे लिखते हैं sec स्क्वायर x sec स्क्वायर x. अब यदि इसको हम ऑब्जर्व करें तो ये है 2 sec स्क्वायर x इंटू टेन एक्स माइनस 2 sec स्क्वायर x इंटू टेन एक्स तो दोनों दोनों का कैंसिल हो गया ये बन गया जीरो. यस सो दिस इज द आंसर. ये चीज़ यहाँ से भी देखी जा सकती है. वी हैव वन रूल 1 प्लस टेन स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x. तो sec square x माइनस tan square x will be 1 मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन को 1 लिखा जा सकता था तो y is equal to 1 which is constant और जब हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy by dx is equal to 1 का डेरिवेटिव बोल के आ जाता था 0. तो इस तरह से आज हमने टॉपिक कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन देखे हैं. इससे रिलेटेड और भी कई प्रॉब्लम्स सॉल्व प्रॉब्लम्स बुक से सॉल्व करने के बाद फिर एक्सरसाइज के प्रॉब्लम आप डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं. सो ऑल द बेस्ट. बाय.